नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक भारत के खाते में सिर्फ एक ही मेडल आया है। भारत के लिए बुधवार 28 जुलाई का दिन मिला जुला रहा। कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिली तो कुछ हार भी सामने आई। हालांकि जिन खिलाड़ियों से जीत की उम्मीद थी उनमें से अधिकतर ने उम्मीदों को जिंदा रखा है। दिन की शुरुआत हालांकि खराब रही थी। दिन की शुरुआत में महिला हॉकी टीम को मैदान में उतरना था और उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो इस मैच में हार के क्रम को तोड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद पीवी सिंधु ने अपना मैच जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके बाद तीरंदाजी में भारत की शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन भारतीय पुरुष खिलाड़ी ज्यादा आगे नहीं जा सके। लेकिन दीपिका कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे दौर में जगह बनाई। मुक्केबाजी में पूजा रानी ने भी कमाल कर दिखाया, लेकिन फिर भारत के हाथ अभी तक दूसरा पदक नहीं आ पाया है। टोक्यो ओलंपिक के पांचवें दिन भी भारत की झोली में पदक नहीं आया है। अब तक देश के लिए केवल मीराबाई चानू ने ही रजत पदक दिलाया है, वही एक पदक अब तक भारत को मिला है। पीवी सिंधु, पूजा रानी और दीपिका कुमारी ने अपने अपने मुकाबले जीते और भारत के लिए पदक की उम्मीदों को जिंदा रखा है। बॉक्सर पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। शटलर पीवी सिंधु और आर्चर दीपिका कुमारी प्री क्वार्टर फाइनल में कदम रख चुकी हैं। अब 29 जुलाई यानी टोक्यो ओलंपिक के छठे दिन भारत की ओर से मैदान पर मनु भाकर, मैरी कॉम, पीवी सिंधु नजर आने वाली हैं। भारतीय टीम को 29 जुलाई को कई इवेंट्स में भाग लेना है। गोल्फ के मेन्स राउंड वन में अनिर्बान लहरी और उदयमान माने खेलने उतरेंगे। शूटिंग में भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक मनु भाकर, KS7, राही सरनोबत 25 मीटर पिस्टल वुमेन्स क्वालिफिकेशन में भाग लेने उतरेंगी। पुरुष हॉकी टीम अर्जेंटीना के खिलाफ मैच खेलने उतरेगी। इसके अलावा बैडमिंटन में पीवी सिंधु राउंड 16 का मुकाबला खेलने उतरेगी। आर्चरी में अतनु दास मेंस इंडिविजुअल राउंड एलिमिनेशन में दम दिखाएंगे। बॉक्सिंग में मेंस सुपर हेवीवेट 91 किलोग्राम वर्ग में सतीश कुमार मैच खेलने उतरेंगे। वहीं भारत की सबसे बड़ी पदक की उम्मीद और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम पदक के और करीब पहुंचने के लिए दम दिखाएंगे। इसके अलावा स्विमिंग मेंस 100 मीटर बटरफ्लाई हीट 2 में भारत के साजन प्रकाश अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद से उतरेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।